मेंटेन करते हुए इम्प्रोवाइजेशन किया है बहुत लंबा। ओके बट राग का जो मैनिफेस्टेशन हो रहा, मतलब राग का जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा, वो तो इसी से हो रहा ना धीरे धीरे करके। हाँ, लेकिन वही उसमें दो चीज है। एक की इम्प्रोवाइजेशन है जो कि ये दिखाता है कि भाई लंबे समय से बजा रहे हैं उतने ही लिमिट में। ओके और रागदारी है कि भाई उसको बजाते हुए भी वो राग के उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी ये भी हो सकता है कि किसी का इम्प्रोवाइजेशन फैक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि भी याग बजा रहा है, कभी लगता है कुछ और बज रहा है, लेकिन फिर भी वो इम्प्रोवाइजेशन तो कहलाएगा। मतलब निशा गप्पा में मान लीजिए आप 20 मिनट तक बजा पा रहे हैं डिफरेंट फ्रेजिस के साथ, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो 20 मिनट में हर बार तो राग राग लगा क्या, तो आप कह सकते कि भाई रागदारी भी अच्छा है उसका, तो वो थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन फिर भी अलग चीज है। तो रागदारी होती है कि आप चाहे 2 मिनट भी बजाओ लेकिन राग को मेंटेन करके बजाए, और इम्प्रोवाइजेशन होता है कि भाई काफी लंबे समय से बजा रहे इसी लिमिट में रहते हो, जिसको हम राग विस्तार कहते हैं। सही शब्द इसका है राग जी विस्तार, जी और वो है रागदारी। पास पास में ही है दोनों का मतलब, वही पक्कड़ चलन वाली बात है। यस सर। चलिए तो फिर और कोई कुछ पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग लास्ट सेशन? ठीक है, सो विल गो फॉर 19 मिनट्स, आपने बताया तो 19 मिनट से ही शुरू करते हैं। आई थिंक वो नी तक का काम हुआ था वहां पर, या नी को टच किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा कुछ था। गमा पनी तक हुआ था, और गमा पनी को टेक्निकल काम भी किया था। गमा पनी तो लोअर ऑक्टेव और लेके सफा। हाँ यहां से शुरू करते हैं, एग्जैक्ट 19 मिनट है ये। गरे सा पनी सा गरे सा, किसी ने क्लाउड रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट किया है, आप मैंने डायरेक्ट भेजा रिकॉर्डिंग था, करिए। मैंने ही भेजा था सर। वो क्लाउड रिकॉर्डिंग में क्या होगा ना, कंप्यूटर में नहीं आएगा वो, फिर वो क्लाउड जैसा मतलब वो ऑनलाइन रहेगा। अच्छा, तो ये ऑलरेडी प्रियंका जी या आई थिंक पिनाकी जी अगर हाजिर है तो वो भी कर रहे होंगे इसको, वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगा उसमें। ठीक जी सर। है, इसको मैं डिनाई कर देता हूँ। हाँ सो फ्रेश था गरे सा पनी सा गरे सा, सब लोग बजाते रहिए साथ में। ये थोड़ा लंबा फ्रेज है, सर आपका वो फ्लूट का साउंड नहीं आ रहा, उसका म्यूजिक का, मेरे से आपका एनेबल बढ़िया साउंड कर। ये एक्चुअली इसमें फिर से इसमें एंट्री करना पड़ेगा, इसमें ऊपर ऑप्शन नहीं दिखा रहा। क्योंकि वो आप जब भी म्यूजिक वो चलाते हैं उसका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं लीव करके फिर से ज्वाइन करता हूँ इसमें।
अभी ठीक हो गया। चलिए फिर से शुरू करते हैं वही वाला फ्रेज। ग सा नी सा ग म प, ग किया है थ्रू रे। ओके वीडियो ऑफ है, सॉरी। सॉरी थ्रू सा, ग सा नी। तो पहले ग के लिए तो टेप करने की जरूरत नहीं, सेकंड ग के लिए ग सा नी सा ग म प। ओके ग सा नी सा ग म प। क्लियर? थोड़ा लंबा फ्रेज है ये, इसका स्टार्टिंग है। इसको अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर तो लिख लीजिए, थोड़ा लंबा फ्रेज है इसलिए। ग सा नी सा ग म प, फिर ग म प नी द सा नी, ग म प नी ध सा नी, जैसे वो नी को फिर घुमाकर से हम बोलिए बस सर, गगा सानी। ग सा नी सा ग म प। ग म प नी द सा नी द नी प। और फिर ग म प नी ध नी सा नी ध प। गमा पानी ध नीसा, गमा पानी धनी सा। इसमें गमा को छोड़ के पानी धनी सा की स्लाइड बजाना, प भी नहीं, गमा प सपाट में है। निध निसा जो बजाया उसकी स्लाइड के साथ उसको बजाना है। तो नी की स्लाइड सा से, ध की स्लाइड सा से, वापिस नी की स्लाइड सा की स्लाइड रे से। ग म प नी द नी सा, फिर नी द नी प। ग सा नी सा ग म प नी द नी सा नी द नी प। इसको आप बिना स्लाइड के भी अगर बजाएंगे तो भी चलेगा। स्लाइड में बजाएंगे तो और थोड़ा जुड़ा हुआ लगेगा। इसका अल्टरनेटिव फ्रेज क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए कि ये नहीं समझ में ये समझ में आ गया लेकिन नहीं बज रहा इस तरीके से, सो अल्टरनेटिव इसका ये हो सकता है। ग सा नी सा ग म प, ये तो रहेगा। ग म प नी सा नी द नी प, जो गम प नी द नी सा है उसका गम प नी सा कर दीजिए, सिंपल। वो धैवत की वजह से थोड़ा आपको अलग लग सकता है या थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। अगर
देन आप गम अपन निशा कर दीजिए, इंस्टीड ऑफ गम अपन निध निशा गम अपन निशा। गगसा निशा गम अप गम अप निशा निध निप एंड द ओरिजिनल वन इज गगसा निशा गम अप गम अप निध निशा निप। दैवत का फर्क है बस, इसमें निध निशा लगाया है, हम डायरेक्टली पनिशा भी कर सकते हैं, गम पनिशा कर सकते। किसी को डाउट है इस पे? इसको स्लो प्रैक्टिस करना, फास्ट उसका आउटपुट रहेगा बाद में। सर सेकंड टाइम जो बोला वो बोला क्या होगा इसका ऑल्टरनेटिव जो, वो एक बार गम प निशा सिंपल, गम प निध निशा के बदले गम प निशा। दैवत दिखाने की जरूरत नहीं है। जी प्रियंका सर, जी वो लास्ट में नीनी प है उसमें ध का टच है ना? हाँ नी नी प दोनों में, मतलब जो नी से वापस नी बजेगा उसमें भी है और जो प जा रहे हैं उसमें भी ध एज ए इंग्रेडिएंट नोट है। हम ध प इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उसका इतना वेटेज नहीं है, बट एक्चुअली दैवत है उसमें। नी नी प इवन नी प करने के टाइम भी ध को टच करके ध है, वही दोनों में, दो नी के बीच में भी और नी और प के बीच में भी दैवत है। आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना इस फ्रेज में? गुड। प प का खटका है विथ तीव्र मध्यम, तो वो होता है पम अप। ओके, बस उसको रीड करना है प, लेकिन क्विकली बजेगा। तो उसके लिए क्या होगा, एक तो प ऐसा बजेगा विद तीव्र मध्यम ओपन और सिर्फ ये खुलेगा, ये खुलेगा तो म हो जाएगा, ये बंद होगा तो प हो जाएगा। तो प म प पम अप, बस इतना। चाहे तो आप दोनों खोल सकते हैं, ये भी पम अप, लेकिन अगर उतना समय नहीं है तो सिर्फ एक खोलने से हो जाएगा पम अप। ओके, बट इसको रीड क्या करेंगे, प प प नी नी, फिर नी का स्लाइड है। ओके, फिर इसके आगे कुछ होगा। अच्छा वो फिर प पे ही आ रहा है, प नी प यूजिंग ध। प नी प फिर सेम फ्रेज है, प नी नी सॉरी उसमें नी नहीं है, उसमें सीधा मुरकी है। सो लेकिन प आगे का सेम है, और ये बजा है प निध नी सा निध नी प, वही जो आगे वाला फ्रेज था ना, गगसा निशा गम प नी सा नी नी प, वही उसी का भाग जो लास्ट वाला था सेम वही बजा। उसके आगे बस ये पम प का खटका है। एक बार और सुन लेते हैं, अच्छा वो प नीनी सा होके वो खटका है, प नीनी सा
फिर वो जो हम डिस्कस कर रहे थे वो वाला कट का। इसके इंग्रेडिएंट नोट्स लिख लीजिए, पनी धसा नीरेसा, हाँ ये है पनी धसा नीरेसा। फिर तो नीद नीद पा तो है ही। ओके, ये साका मुर्की है स्पेशली ऐसा जिसमें धैवत को आप यूज कर सकते हैं इन द बिहाग। ओके, तो इसको आप कभी कभी यूज करिएगा जब आप बिहाग बजाते हैं तो। ओके, क्योंकि जनरली धैवत लगता नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर आप साकी मुर्की बजाएंगे तो मे बी वो इतना भी बुरा नहीं लगता, या आप कह सकते हैं कि भाई मोर स्पेसिफिक एक मुर्की है। तो सर ये पानी धसा नीरेसा, सर पानी धसा सात आर सप्तक का नी फिर रेसा ये सब भी तार है क्या? नी नहीं, रे और सात आर सप्तक का, नी मध्य सप्तक का है, तार सर ये सप्तक का नी वाला, नहीं हमारे पास। जी संतोष जी, हाँ सर ये वाला जो गामा पा, जो पहले वाला जो गामा पा छूट कर सभी फ्रेज तो इमन जैसा ही है ना सर? हाँ थोड़ा थोड़ा, बट इसमें धैवत का क्या हो रहा है ना, सा की तरफ जा रहा सीधा, पनी अच्छा धसा नीरेसा ऐसा। और प है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प से आप आगे बढ़ रहे हैं, यमन में हम प से आगे नहीं बढ़ते, अच्छा यमन में पनी नहीं हो सकता। इसमें हम क्या बजा रहे हैं, पनी दशा नीरेसा ऐसा बजा रहे हैं ना, तो यमन जैसा है लेकिन यमन वाला फ्रेज नहीं है ये अभी इतना। अच्छा ओके, सो ये पनी दशा नीरेसा अच्छा मुर्की को याद रखना है, और कभी कभी यूज कर सकते हैं दोनों ऑक्टेव में, क्योंकि इसके जितने भी नोट है वो लोअर ऑक्टेव में भी अवेलेबल है। तो कभी कभी कर सकते हैं। एज पर रूल्स एक्चुअली दसा वी कैनॉट बोलो सर, द हाँ, इफ यू आर साइज प्लेइंग नहीं दैट वी हैव टू कम देखते, डाउन। बट वो एक नी को लगाने का तरीका है बिहाग में, जिसमें हम प नी सा, सो नी हम ऐसा बजा रहे हैं जो नीचे की तरफ जा रहा हो और फिर हम सा की तरफ जा रहे हैं। सो एक्चुअली इट्स ए नी, हम उसको ध देखते नहीं है, प नी सा इस तरीके का। ओके, फिर नी द नी पा वही है। हाँ पा गा, इस पे तीव्र मध्यम है और ग की स्लाइड भी तीव्र मध्यम से है। फिर शुद्ध मध्यम पे रुक के गामा पगमा, तो पगमा इज ऑल्सो खटका फॉर मा, गामा इस तरीके से गामा। ये खटका हम पहले बजा चुके हैं बहुत आगे, और ग भी खटका है एज अ सागरेगा। ग ग सागर है ग, दा मा प ग मा ग, तो दो खटका है इसमें, एक म का है वो है प ग मा, और ग का है जो कि सागर है ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राकेश जी आप पूछ नहीं रहे कुछ आज? जब फास्ट हो रहा है ना तो मैं देख रहा हूं कि उंगलियां चलेंगी नहीं, तो बस याद करने की कोशिश कर रहा हूं और इसको उंगली स्लो चलाना नहीं। बजाएंगे, जैसे वो वाला फ्रेज था शुरुआत का जहां से हमने शुरू किया, ग सा नी सा ग म प, गामा पनी दसा नी रे नी सा नी नी पा।
फिर उसको धीरे धीरे जब समझ में आने लगे तो वो जो पनी दसा नीरे सा आपने जो मुर्की लिखा है ना, वो वही है वहां पे जो बजा है। उसमें मैंने क्या किया है, उसके इंग्रेडिएंट्स नोट के बदले आपको ग म प नि ध नि सा ऐसा लिखवाया है, और उसको स्लाइड से बजाओगे तो ऐसा ही साउंड करेगा वो। ओके, तो वो सेम ही मुर्की है जो वहां पर बजा है पहले आगे, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वही मुर्की बजा देंगे तो हो जाएगा। ग म प क्या था, पनी दसा नीरे सा निशा, ये जो था ना, ग म पनी दसा नीरे सा निशा नी द प, ये वाला बस, उसके पहले गमा है। जी सीमा जी बताइए। ये सिर्फ शाह का ही मुर्की था ना, गामा सा पानी का ही है सागा, मुर्की, एक गमा पूरा फ्रेज नहीं, क्या है गमा इसका? गमा से नहीं है, गमा प प के बाद से जो बजा वो सा का मुर्की है। गमा प सा नी नी प, गमा प तो इंडिविजुअल नोट से आप उसको सा गमा सा देख सकते हैं, लेकिन प पे अगर रुके, अगर अगर रुकते हैं ऐसा तो प अलग है, लेकिन अगर प उसके साथ ही आ गया देन वी कैन कंसिडर एज अ वन नोट सा। फ्रेज है सा नी प ग म ग, वो जो सा है रेसा नी सा, उसके खटके के साथ उसको बजाया है, और फिर नी तो नॉर्मल नी है। सो सा के लिए रेसा नी सा वेरी क्विक, जैसे आप उसको सा ही समझो ऐसा सा नी। और प में पम प खटका है, वो भी बहुत वीक है, एज इफ क्यों आपको प ही दिखाई दे, जैसे यहां पे रेसा निशा था ऐसा ही वहां पे पम प, इतना क्विकली बजाना ये तीव्र तीव्र मध्यम। मोस्टली पंचम के खटका इस राग में तीव्र मध्यम ही मिलेगा उसमें। सा नि प रेसा निशा दैट इज सा, देन नी तो इंडिविजुअल है, एंड प के लिए पम प विद तीव्र मध्यम, और उसके बाद है ग, जो कि हमेशा तीव्र मध्यम से ही आती है वो स्लाइड इस राग में। ओके, तो उसको आप याद ही रखिए कि प ग ये है तो तीव्र मध्यम से ही स्लाइड आई है उसकी। फिर ग से शुद्ध म जाके ग, और वो ग का खटका सागरेगा। सा नि प ग म ग, पा नहीं हो रहा, पा नहीं, पा मा पा। सिर्फ ये उंगली ऋषभ वाली सारे जो वाली उसको क्विकली करना है, पम प, इसको खोलिए तो ये समझ लीजिए कि म हो गया, बंद करने से ये प हो गया, और ये तीव्र मध्यम पर खुला रहेगा पंचम के टाइम भी, पम प।
सा नी प नी सा गरे नी। सा नी प नी सा गर नी। उसको स्लो बजाते हुए ग्रेजुअली फास्ट करेंगे। दाना। यही है, लेकिन देख लेते एक बार। पा पहला तीव्र मध्यम है, दूसरा शुद्ध मध्यम है। प तीव्र म ग शुद्ध म प म ग म प। फिर उसके बाद वही मुरकी है, दसा नीरे सा। प म ग म प नी सा नी प नी विथ धा। प म ग म प नी सा नी प, बट उसमें धैवत को अगर मैं इंक्लूड करूं, मतलब बजाने में तो है ही, बोलने में अगर करूं तो प म ग म प नी द सा नी प, बट उसको रीड नहीं करेंगे तो इजी रहेगा। प म ग म प नी सा नी प। प म ग म प नी सा नी प ग म प नी ग विद तीव्र मध्यम, फिर म शुद्ध पनी नी। डाउट है किसी को इसमें? ये अभी नी का ही काम चल रहा है, तो नी का काम चलते हुए कौन कौन से स्वर पे रुके नी के अलावा,
वॉज मोस्टली ग ग पर ही रुके, सा नी प ग म ग। तो ये एक चीज नोटिस करना है हमें यहाँ पर, जब आप नी का जब काम कर रहे होंगे तो वहां तो कुछ फ्रेजेस जाके रुकेंगे, पर हर बार सिर्फ नी पे ही जाके रुकेंगे तो या तो आप फिर उसके बाद आगे जाने की टेंडेंसी आ जाएगी कि सा जाएंगे, है ना। तो वहां से अगर आप उतनी ही रेंज में और इम्प्रूवाइज करना चाहते हैं तो फिर ग की तरफ के फ्रेजेस को सोचिए, जो नीचे से ऊपर से नीचे आते हो, और या तो मतलब ग रे सा नी प नी सा ग, ऐसा भी फ्रेजेस हमने इसमें बजाया, सा नी प ग म ग। ओके, सो वाइल नी वी कैन स्टे ऑन ग फॉर दिस राग स्पेशली, और उस हिसाब से पहले कुछ फ्रेजेस सिर्फ नी के ही बजाइए ना, जो शुरुआत में बज रहे थे ग म प नी नी, और ज्यादा नी पे रुकते नहीं है, इवन दो वी गो टू नी अगेन यू कम बैक टू प, इसलिए जब ज्यादा सब फ्रेजेस ऐसे है, एक आध फ्रेज शायद नी पे जाके रुका होगा, बाकी हर बार वो प पे वापिस आ जाता है थ्रू नी द नी प, एंड बाकी फिर ग पर जाके काम होता है वापिस नीचे मिडल ऑफ। एक मैं सुन पा, बताइए। बार लगा जैसे ध पे भी रुके, सा नी प ध, ऐसा ऐसा भी फ्रेज है क्या? ध पे थोड़ा सा रुकते हैं? धा मा पा ये फ्रेज था, वो तो तीव्र मध्यम लगाने का तरीका है। जैसे अगर इस राग में तीव्र मध्यम को थोड़ा और अच्छे से दिखाना है तो प द म प इस तरीके से ही बजाते हैं उसको, बट वो धैवत पे रुकना नहीं है, वहां से इनिशिएट हुआ है वो द म प। रुकना किसे बोलेंगे, ये रुकना हो जाएगा नी प द। अगर द से शुरू होता है तो ये तो पंचम पे रुके हम। हाँ, तो इसमें यही नोटिस करना है कि नी का काम जब हो तो प पे ज्यादातर फ्रेजेस खत्म होंगे, और नी के अलावा ग के फ्रेजेस आपको सोचने हैं जो ग पे जाके रुके। ओके, लोअर ऑक्टेव से भी ग पे, या तार सप्तक से भी सा नी होके भी ग से आके रुके, ऐसे फ्रेजेस। संवादी लेकिन नहीं है ना सर? हाँ, बट इस राग में अगर ज्यादा नी पे रुकेंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप हर फ्रेज नी पर ले जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे टेंडेंसी होगी भाई इससे आगे बढ़ते। तो एक बार नी दिखा दिया आपने उसको, फिर उसके बाद आप और कोई स्वर पे जाके रुकिए, और संवादी होने का मतलब क्या है कि वो स्वर यूज होना चाहिए बार बार, तो वो तो निसा गम में तो हो ही रहा है जब आप नीचे से शुरू करते हैं फ्रेजेस, ज्यादातर तो आपका निसा गम के ही फ्रेजेस है ना, तो वहां पर भी वो दिखता है उसका इंपॉर्टेंस उसका। ऐसा नहीं कि नी पे खड़े नहीं रहना, रहना है, लेकिन हर फ्रेजेस पे जाके नी पे जाके नहीं खड़े रहेंगे। गांव में जैसे रहते थे, गांव में जाते थे हम हाँ लोग, हर फ्रेज गांव में जाके लेके खड़ा करते करेक्ट, में ऐसा नहीं करना, तो जाते हाँ थोड़ा सा दिखा के फिर वापस पंचम गांधार, पंचम गांधार पे आ जाएगा चीजें। ग सा ग म प ग ग थ्रू सा। ओके, रे से नहीं है, सा से हुआ, ग सा ग म प। फिर म प जैसे ग सा ग ग, ये जो था म प प ऐसा, तो म प प प प जो डिवाइड किया आपने वो म से किया, म प प थ्रू शुद्ध मध्यम, जैसे ग सा ग ग ग ग थ्रू सा था, ऐसे यहाँ पे प प थ्रू म है। फिर प पहुंच के वही नी सा नी नी प।
वो प का जो हम प कर रहे थे उसके पहले म पे थोड़ा रुक के ग सा ग ग म प नी सा नी प, थोड़ा म पे रुक के जाना। म प नी सा नी प, ये नी सा वो ध वाला नी सा है, नी सा नी प। ये म आपके प म प प कैसे जो है, करते म तो अभी कोमल होगा, ये मतलब शुद्ध शुद्ध मा है, कोमल नहीं, शुद्ध मा। अशुद्ध होगा, शुद्ध हाँ, म फिर प, और उसके बाद फिर प प जो है ये भी उसमें शुद्ध भी म शुद्ध के साथ, एम का यूज हुआ है। हाँ जी उसको मंजीत, कैसे बजाऊं, उसको कैसे बजाऊं सर, म प प। प प में ये जो उंगली है म की, शुद्ध मध्यम है तो इसलिए हम हाफ रखेंगे इसको। जी बस वही तीव्र मध्यम वाला जो थियोरी था कि इसको अच्छा, खोल इधर तो म होगा, इसको बंद करेंगे तो प होगा, तो और म म प इस तरीके से। अच्छा रे वाला से, ठीक है हाँ सेम, तीव्र मध्यम होगा तो ऐसा करेंगे, शुद्ध मध्यम होगा तो ऐसा रखेंगे। इसमें नी सा नी पे थोड़ा लंबा रुकना है। फिर आगे कुछ और है वो देखेंगे। ग सा ग ग म प नी सा नी, ग सा ग ग म प म प नी सा नी। वही फ्रेज को थोड़ा लंबा कर दिया जो हम ये कर देते थे, उसी को साइज थ्रू धा। वो अभी हम जो बात कर रहे थे ना राघवेंद्र जी के साथ बात कर रहे थे, अभी मेरे को उसका कुछ एक्सप्लेनेशन मिल रहा है कि हम उसको धैवत को कैसे देखते हैं। जैसे हम नी बजाते हैं उसको पंचम से बजाते हैं यहां पर। तो ये नी है जिसकी स्लाइड प से है, फाइन, वैसे ही वो सा है जिसकी स्लाइड ध से है, ऐसे ऐसा देखिए इसको। तो हम बजा रहे हैं नी सा, लेकिन उन दोनों की स्लाइड नीचे वाले स्वरों से आ रही है, तो नी की स्लाइड प से है तो इसलिए वो पनी है, और सा की स्लाइड ध से इसलिए हम दसा उसको देख सकते हैं। ऐसे फाइन, तो इस पे तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, हम स्लाइड तो ले ही सकते हैं उस स्वर से, उसको मेन स्वर नहीं बना सकते हम, पनी ध सा ये करेंगे तो थोड़ा टेक्निकली गलत लगता है, लेकिन स्लाइड लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अगर ध राग में होता ही नहीं तब हम स्लाइड नहीं ले सकते थे सांस के लिए, लेकिन यहां तो ध है राग में, अवरोह में तो है। ओके, तो इसको आप ऐसे देखिए कि इसमें इस तरीके से स्लाइड बचती है स्पेसिफिकली, जिसमें नी को प से और सा को ध से लिया जाता है। गमा प नी सा नी प, खासतौर पे मैं नोट कर रहा हूँ कि ऊपर वाले में, मतलब जब हम लोअर प ध नी से डील कर रहे थे तब जी ये कम हो रहा था, लेकिन जब ऊपर वाले इसमें है, सप्तक में है, तो हाँ, हमेशा स जो नी के बाद अगर स में जा रहे हैं तो धा होके ही जा रहा है, दैवत मतलब को, दैवत की स्लाइड लेकर जा रहे हैं उसकी, दैवत निशा से। ऐसी कर रहे हैं, निशा नहीं कर रहे, निशा ही कर रहे हैं ज्यादातर मैंने देखा है, तो हाँ हमें भी आदत डाल लेनी चाहिए ऐसा लग रहा है। हाँ डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा संभाल के हाँ बिल्कुल, आ सुनाई बिल्कुल ना दे, बस वो स्लाइड हाँ चाहे ये पता हाँ चले। मतलब आप उसको प नी सा नी यही गा रहे होने चाहिए, अगर वो गा के बजाएंगे तो सब सही रहेगा। जी, तो ये राग उसी में ज्यादा बेहतर दिखेगा कि हम
नी को पौसे ले और स को धसे ले, धसे ले, और और वो धास फ्रेज आंग मोस्टली, बस। वो फ्रेज मोस्टली फास्ट होना चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर जी आपको स्लो बजाना है तो ऐसा ही बजाइए, क्विक बजाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो गर अलग पड़ जाएगा। हाँ बजाइए। चलेगा ऐसा? हाँ पीछे भी वो जो मुर्की था, पनी दसा नीरे निसा नी नी प, जो हमने लिखा है वही लोअर ऑक्टेव में बज रहा। परी दशा नीरे निशा नी 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 पनी दशा नीरे निशा, वो सेम मुर्की ऊपर वाली लोअर ऑक्टेव में बजाया। दप मा पा मा मा, ये जो है टेपिंग ग के थ्रू है या प के है देखना पड़ेगा। प के थ्रू है, दप मा प मा प। दप मा प, इस पे दो ऑप्शन है म का कर्ण लेने के लिए, म के लिए कर्ण लेने के लिए, आइदर ग से, ये ग से हुआ, ये प से हुआ। तीव्र मध्यम से ग की स्लाइड। इंटरेस्टिंग की बात यह है कि उसके बाद जो दो तीन बार बजाएगी वो शुद्ध मध्यम से आएगी, फिर तीव्र मध्यम से नहीं आएगी। ग एक ही बार तीव्र मध्यम से आएगी, उसके बाद आप जितना ग का रिपीटेशन करेंगे वो शुद्ध मध्यम से आएगी, और फिर तो मध्यम शुद्ध ही जाना है। ग म नी प ग म ग, नी से प आके फिर ग ग म ग। तो पूरा फ्रेज हुआ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। निध प में प को मस के बाद बजाया, सो टेक्निकली निध म प है, ये जो निध प है उसको निध म प करके समझना है। निध म प निध म प, चलिए
डमपा गा मा, जब मैं बोल रहा हूं वो म ग हो रहा है वापिस, म पर नहीं है, म जाके वापिस म, तो इटली इट्स अ मग। हाँ भी आदत डाल लेनी चाहिए हमें कि अगर नीचे आ रहे हैं तो नी धा के बाद सीधे मपा बजाएंगे, नी धा प नहीं बजाएंगे। लेकिन वो प ही है, मप जो है वो प का खटका है। लेकिन हमें करेक्ट आदत उसको डालनी चाहिए, करेक्ट। बेहतर दिखा। लेकिन आप लोग इतना फास्ट कर लेते हैं कि वो हाँ मप्पा पता नहीं चलता, वो प ही पता चलता है हम हाँ लोगों सर, से। सर वो नी धमापा तो नहीं आ रहा, धमापा में बहुत प्रॉब्लम हो रहा एक्चुअली धमप में नहीं, मप में प्रॉब्लम हो रहा होगा ये। या अगर धमप में भी है तो पग। एक्चुअली ध भी गाना ठीक नहीं है वहां पर, क्योंकि ध का इतना इंपोर्टेंस नहीं है। एक्चुअली इसको गाएंगे तो नी पा यही गाएंगे, ध और म दोनों साइलेंट है उसमें। तो इसका प्रैक्टिस बिना कीजिए, ऐसा करेंगे धम प को स्लो से प्रैक्टिस करिए। बट ये जो स्लो बजाते वक्त आपकी जो फिंगरिंग होती है जी। वो फिंगरिंग फास्ट बजाते वक्त नहीं होती है। फास्ट बजाते वक्त उसमें और कम हो जाती है, सिर्फ यही उठती है, सिर्फ ये वाला। ऐसा कुछ होगा, वो एक्चुअली अपने आप हो जाएगा। आप स्लो से शुरू करिए, द म प द म प द म प द म प द म प द म प, ऐसा करेंगे तो जो भी एक्चुअली जो खुलना चाहिए वही खुलेगा बाद में। खुल जाएगा जी सर। थोड़ा लंबा फ्रेज है, इसको हाफ हाफ देते हैं। नीदा नी है, बट उसको नी नी ऐसा समझना है। ओके, नी नी द। अभी अभी मैं उसका टेक्निकल नोट बताऊं तो नी द नी द प म प। नी द नी द प म प। गरे सा नी सा, बस वो ग पहला वाला है, उसकी स्लाइड तीव्र मध्यम से गरे सा नी सा। मैं जो म बोल रहा था एक्चुअली वो म नहीं, वो ग की स्लाइड है, गरे सा नी सा। लेकिन उसको टेक्निकली बोलना है तो मग मग रे सा नी सा, दैट मग शुड बी रीड एज अ ग। ओके, नी पम पग रे सा नी सा, ये एक्चुअली गाया जाना चाहिए, मतलब उसका नाम नोटेशंस का। टेक्निकली है नी द नी द पम प मग रे सा नी सा। सो नी द नी में ध स्लाइडिंग नोट है और मग मग में म स्लाइडिंग नोट है। फिर यहां से ऊपर जाना है इसी थ्रू, नी
नी सा गा मा पा नी सा नी द नी द प म प ग रे सा नी सा गा मा पा नी सा लेकिन ये अंतरा वाला सा नहीं, वो आप वहां से नीचे उतरेंगे वापस। नी प म प ग रे सा नी सा ग म प नी सा। अभी ओ जो सा लगाने का तरीका था उसी से नी लगाने के बाद उसको बजाना है। सो नी सा ग म प नी सा नी प, ये प वो ध म प वाला प है। सा नी प टेक्निकली सानी द सानी द म प, ये नोट्स। फिर वो ग म यही होगा। शुरू कहां से हो रहा था ये? जो एक्चुअली नोट है वो है नी नी प म प ग रे सा नी सा ग म पानी सानी नी सानी सानी प ग म ग। सिंपल ग म प नी प, नी का स्लाइड है थ्रू सा। शायद सा पे रुकने की तैयारी है तार सब तक के। ये से शुरू हो गया अंतरा। सो एक्चुअली वो जो हमने इसके पहले जो फ्रेज भेजा है ना, ये वाला इट वॉज लाइक अ क्या कहते थे उसको, मोहरा। बस इसमें वो जोड़ की तरह नहीं बजाया, बीट की तरह नहीं बजाया, ये कंक्लूडिंग फ्रेज था नी तक का ना। हम मोहरा में क्या करते हैं, यही कि भाई आप सा 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 से शुरू करो, बाद में एक ऐसा फ्रेज जो वहां की लिमिट को टच करके वापस सा पर आए, ये वही फ्रेज है, बस इसको बीट के हिसाब से नहीं बजाया। ओके सो मोहरा ही है एक तरीके से, बट वो बीट वाला नहीं, नॉर्मल तरीके से उसको बजाया, आउट ऑफ आलाप आलाप वाला मोड में उसको बजाया। सो उसके बाद फिर नया स्वर आया
तो गामा पानी पा, फिर उसके बाद है पनीसा नीसा, थोड़ा सा को टच कर रहे लेकिन खड़े नहीं रहे, उसके बाद एक मुरकी होके फिर सा जा रहे। ऐसा कुछ मुर्की था, देख लेते हैं। सर लेकिन मोहरा तो सा से होगा ना, मोहरा तो सा हाँ से मैं वही कह होगा। रहा हूँ, वो मोहरा जैसा ट्रेडिशनल मोहरा होता है वो नहीं है, लेकिन मोहरा का जो जो काम होता है वो काम ये फ्रेज कर रहा है, मतलब मोहरा जैसा ये फ्रेज है। मोहरा होता तो वो तो सा 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 ये से शुरू होता। जी। ये अच्छा मुर्की, इसमें देवत नहीं है। पसा निसा एज अ मुर्की ऑफ सा, पसा निसा पा। और फिर प से ही सा जा रहे, सा प सा विदाउट देवत। सो द फ्रेज वॉज ये जो प, ये भी तीव्र मध्यम वाला, यहां पे ये देखना है कि सा लगाना कैसे। थार सप्तक का सा जो अंतरा का स्टार्टिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी राग के लिए। ओके, तो यहां पर कैसे लगाया, एक तो जो आगे का स्वर था पहले उसको वाइड अप किया है ना, जो वाला फ्रेज था, उसके बाद नी पे जाके रुके, गम प नी प नी सा सा प सा। तो ये सेम चीज आप बाकी राग, अगर ये याद रह जाता है कि भाई इसमें इस तरीके से साल लगाया है, बाकी हर राग में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बस उसके नोट्स के हिसाब से आपको देखना है वहां पर। नी के बदले दैवत होगा, प के बदले कुछ और होगा, या जो भी है ना, तो ये चीज आपको बाकी रागों में काम आएगी। अंतरा में एंट्री कैसे करते हैं ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिर ये सा लगा के सांस की टेस्ट लेनी है, कितना लंबा खींच सकते हैं सा को। अगर ऐसा करना है तो आपको जस्ट बिफोर सा रुक के सांस ले लेना है, ऐसे देखिए। ये जो पसा निसा प, ये जो प पे रुकेंगे उसी वक्त सांस लेके माइक्रोसेकंड में सांस आ जाता है, अगर रुकने का मतलब इरादा है कि नहीं बहुत लंबा खींचेंगे। नॉर्मल अगर बजाना है तो वो उतने सांस तो रहती ही है, इसमें हमने सांस नहीं लिया था, अगर सांस लेते तो थोड़ा और लंबा खींचता है। यहां ट्यूनिंग का ध्यान बहुत रखना अच्छे से, कि वो सा एकदम तानपुरे के साथ मैच हो जाना चाहिए, फिर उसको आप लंबा बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। पीछे जो बज रहा है वो लोअर मिडिल ऑक्टेव का सा बज रहा है, सा। अभी हर चीज सा की तरफ ही जाएगी। नी सा सा, लेकिन वो प से खींचा हुआ। एक क्वेरी है, हाँ एक बताइए। क्वेरी, ये लोअर ऑक्टेव के सा में जाते भी थे तो मिडिल सा के ऑक्टेव, मिडिल नी ऑक्टेव, पे, मिडिल ऑक्टेव में सा पे गए तो फिर नी पे रुकते थे, सा नी, मतलब वहां पे सा पे रुकने का मतलब कंक्लूड कर रहे हैं जैसा कुछ होता था, लेकिन राइट, यहाँ पे सा पे लंबा जा सकते हैं, नी पे आने की जरूरत नहीं है हर बार, करेक्ट ऐसा कुछ करेक्ट, क्योंकि यहां पे सा पे रुकने का मतलब है कि आप अंतरा में है, है। और एक बार आप जब ऊपर की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेंगे ग या म की तरफ,
तब हम वापिस सा पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि तब वहां पे सा का फंक्शन वही हो जाता है जो पहले मिडल ऑक्टेव सा का फंक्शन था, कि यहां अच्छा रुके मतलब वो जो स्वर था उसका काम कंप्लीट हो गया, बट अच्छा यहां पर वो सा को लगाना है जस्ट टू एंटर इन टू द अंतरा भाग। अच्छा ये तो फिर मिडिल ऑक्टेव में भी यही सोच रख सकते हैं शुरुआत में हम सा कि तो बजाते हैं ना जब सा नी का काम करते हैं। नहीं, तो मैं डर के मारे हमें वहां भी नी पे आ रहा था, सा किया लंबा उसके बाद फिर नी पे आ रहा था, तो अभी अगर नीचे चल रहे हैं आप तो सा समझिए, आप जो शुरुआत करते हो तो सा से ही कर रहे हैं उस वक्त हमेशा, है ना, तो जी। दैट दिस सा ऑफ तार हायर ऑक्टेव शुड बी कंपेयर विद द एकदम बिगिनिंग वाला सा जो आप बजा रहे हो, वही है वो उस हिसाब से। मैं वही उसको वहां भी नी पे आता था कि क्या पता, वो कंक्लूडिंग वाली बात तो अब क्लियर हो गया कि अगर सा नी पा के बीच खेल रहे हैं तो हम सा पे रुक सकते हैं, अगर ग चले गए उसके बाद हाँ कोशिश करेंगे कि सा पे लैंड ना करें, सा सानी प लंबा भी में कर। भी, सानी प में भी इतना नहीं रुक सकते सा के ऊपर, क्योंकि फिर नी प का काम दिखाना है ना, तो नी पे जाएंगे प पे रुकेंगे इस तरीके से करेंगे। सर एक्चुअली हाँ लोअर ऑक्टेव में एक बार हम सा पे आके रुकेंगे लास्ट में, जब भी कंक्लूड करने के लिए शुरू तो करते हैं सा से, सा से लोअर लोअर ऑक्टेव सा नी पर खत्म, नी पर खत्म करके सा पे आके एक बार रुके हम दिखाते हैं, फिर हाँ मिड ऑक्टेव का भी पूरा नी तक काम करने के बाद वापस लोअर सा पे आके रुकते हैं हम मिडिल लोग एक। सा नहीं, नॉट ओनली नी, हर स्वर के बाद ग के बाद भी सा पे आके दिखाएंगे कंप्लीट हुआ, म वाला भी चीज दिखाएंगे कंप्लीट हुआ, प भी दिखाएंगे कंप्लीट हुआ, देन नी भी दिखाएंगे कि सा पे आके कम वो तब तक लोअर वाला सर, देन उसके बाद जब भी मिडिल अंतरा वाला। मिडिल वाला, देन तब तक का सर जब भी हम एंटर करते हैं एक बार स्थाई वो का मतलब ही है लोअर ऑक्टेव और मिडिल ऑक्टेव, तो इसलिए, और स्थाई का जब आप स्थाई में, तब मध्य सप्तक सा जो मिडिल ऑक्टेव सा है दैट इज द होम ऑफ स्थाई। ओके, तो जहां तक आपका मध्य सप्तक का आखिरी स्वर आपके पास है, जैसे यहां पे नी है भूपाली होगा तो वहां पे ध आपके पास लास्ट है मध्य मिडिल ऑक्टेव का, तो वहां तक का रेंज के लिए वो सा मिडिल ऑक्टेव ही यूज होगा, उसी की रेंज में वो आता है। फिर जब उससे ऊपर जाना है तो वहां से तार सप्तक सा मेन हो जाता है उसके बाद, और जब तक अंतरा चालू है तब तक मध्य सप्तक के सा पे रुकना अवॉइड करना है इसी वजह से, क्योंकि अगर आप वापस सा पे मध्य सप्तक के रुकते हो मतलब आप वापस थाई में आ गए। ओके, तो क्लासिकल म्यूजिक में ऐसा नहीं होता, बाकी जो लाइट म्यूजिक या गाना वगैरह उसमें क्या होता है, एक स्थाई है फिर अंतरा गए फिर वापस थाई पर आए फिर वापस अंतरा गए, है ना, जैसे वैष्णव जन, तो अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं तो वो आपने गाया वो स्थाई है, तर 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 ना ना, अभी ऐसे चार स्टांजा होंगे, एक गाया वापिस वैष्णव जन आएगा, वापिस दूसरा गाया वापिस वैष्णव जन आएगा। ओके, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में ऐसा नहीं होता, वंस यू आर इन अंतरा देन कवर फुल अंतरा, उसके बाद स्थाई आए तो फिर वो वाला काम खत्म हो जाएगा, मतलब उसका आलाप खत्म, फिर जब जोड़ में जाएंगे तो वापिस वहां पे स्थाई अंतरा शुरू होगा इस तरीके से। तो काफी जो बिगिनर्स परफॉर्मर्स होते हैं उस वो ये गलती बहुत करते हैं कि अंतरा में गए वो पता है कि सा दिखाना है, लेकिन बाद में फिर वापस आके मध्य सप्तक के सा पे रुक जाते हैं, फिर वापस तार सप्तक के ग पे जाते हैं, फिर करके वापस मध्य सप्तक के सा पे रुक के आ जाते हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए, मध्य सप्तक का सा पे रुकना नहीं। सा जो लंबा बजा रहे थे हम, ये आया था यहां से शुरू आता वो पनी सा, उसके बाद नी प, लेकिन नी की स्लाइड है सा से और प है धम प,
गा, जिसमें तीव्र अवधि हमसे ग की स्लाइड है और म शुद्ध है। अभी यहां थोड़ा अलंकार जैसा टच देने की कोशिश किया है, पदम पा। तो ऑब्वियसली धैवत हमारा मध्यम हमारा शुद्ध रहेगा, पदम पा गामा, ये शुद्ध मध्य है, पदम पा ये तीव्र मध्यम है। तो पदम पा ये प का फ्रेज हुआ, वही फ्रेज नी से क्या होगा, नी सा पनी इज अलंकार। ठीक है, पदम पा नी सा पनी, और फिर लास्ट सा बजाने के लिए भी गम पनी सा, इस तरीके से। तो गामा पा दमा पा नी सा पनी गमा पनी सा। आगे बढ़े, ठीक सानी पनी सा, लोअर ऑक्टेव में निजा गमा गमा गरे नी। तो यहां एक चीज और याद रखना चाहिए, गम गरे नी ये फ्रेज यूज होता है जिसमें आप रे का उपयोग कर सकते हैं। ओके, गम गरे नी आगे भी बहुत बजाइए, निजा गम गम गरे नी। निसा पम 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 कौन सा मध्यम है, तीव्र मध्यम। फॉलोड बाय गमा गरे नी, पहले सिर्फ गमा गरे नी था, निजा गमा गरे नी, देन निसा पमा 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 गमा गरे नी। जब तक पमा पमा हो रहा है वो तीव्र मध्यम है, गमा गरे में मध्यम शुद्ध है। उसी को एक एक्सटेंड किया, नीसा नीदा नीदा पामा पामा गामा गामा गरे नी। पहले क्या था, गामा गरे नी, देन पामा पामा गामा गरे नी, अभी नीदा नीदा पामा पामा गामा गरे नी। ओके, एक एक फ्रेज उसमें ऐड हो रहा है। तो पहले गामा गरे नी, देन पामा पामा गामा गरे नी, देन नीदा नीदा पामा पामा गरे गरे नी। सा नी प नी सा ग, सा नी प नी सा ग। सा नी प नी सा ग ग ग, कैसे करेंगे, थ्रू रे। गरे सा नी सा गा मा गा, पहले ग पे रुके थे, अभी म पे रुक रहे, लेकिन म पे हम फ्रेज एंड नहीं कर सकते, इसलिए वापस ग पर आ रहे। गरे सा नी सा गा मा मा, तो दो फ्रेज क्या था, सा नी प नी सा ग ग, जिस पे ग पे रुके, गरे सा नी सा गा मा मा, जिसमें ऑलमोस्ट म पे रुके लेकिन वापस ग पर आ गए,
गा म प में तीव्र मध्यम है, गा म प नी पा, कुछ नी सासे है। कुछ नहीं दही बस है, ओके okay? ये आप साउंड से आप आराम से समझ जाएंगे, ये सा वाला है, ये दैवत वाला है, ओके okay? उसमें सा का स्लाइड है, इसमें दैवत का स्लाइड है। हाँ, एक खटका मैं बताना भूल गया, प मध प म प, वो गाने के लिए प प इस तरीके से प प ही है वो, बट पहले प जो मध्यम पे जाके धप म प, ये खटका बजाता है, जैसे रेसा निसा बजाते थे सा के लिए, ऐसे ही धप म प। कुछ सा से कुछ तेवत से, फिर उसके बाद सा ही जाएंगे, ये जो था खत्म करके, अब पनी सा नी पनी सा, गम गम पनी सा निजा सा, फिर से सुन लेते हैं। सिंपल है, कोई स्लाइड नहीं है, नॉर्मल फ्रेज है। गम गम पनी सा निसा सा, ये फ्रेज तो बहुत बार बजा चुके हैं। सा नी पा विधम पा गा विथ तीव्र मध्यम, मा प गमा गा, ये ऑक्टेव दिखाने की कोशिश करें, लेकिन सा के साथ सा नहीं दिखा सकते हम, ओके सा के साथ ग दिखाया, दिखा सकते हैं लेकिन फिर उसके बाद ग पे जाएंगे, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सा तो दिखा नहीं ना, हम तो रुके ही नहीं उसके ऊपर, तो इसलिए वो ग पर ही रोक दिया वो फ्रेज। गा मा पनी गा मा पनी, इतना नॉर्मल बजा है।
अभी रूल के हिसाब से गमा प देन गमा प नी देन द थर्ड फ्रेज शुड बी गमा प नी सा, एक एक स्वर बढ़ रहा है। ओके गमा प गमा प नी गमा प नी सा, लेकिन ये सा का कुछ इंग्रेडिएंट काम हुआ है वो अभी इसके बाद आएगा, तो इसके वो गमा पनी नहीं है, वो गमा पनी सा है। लेकिन सा का क्या काम है वो उसमें देखते हैं। तो गमा पनी सा नी नी प गमा पनी सा, ओवरऑल ऐसा कुछ फ्रेज है। ये अलग ही मुर्की, अभी तक बजा नहीं है, अलग ही है पूरा। भी है, ऋषभ भी है। सानी धरे सारे निशा, सानी धरे सारे निशा। गामा पा गामा पानी गामा पानी सा पा, सानी धरे सारे निशा नी नी पा। नींद नींद नहीं है, ऐसा कुछ है। उसके बाद नी द सा नी प ग म जो ऐसा बजाते थे, वो जो सा की मुर्की है गमा पनी दसा नी रे निसा नी द सा नी प ग म प। Thank you.
मपा नी सा पनी सा, ये फ्रेज पहले बजा था, थोड़ा स्लो बजा था, इसमें थोड़ा क्विक बजा। इन जनरल ये फ्रेज क्या है? गमा पा नी, गमा पा नी सा नी पा, गमा पा नी सा, ये इस तरीके का फ्रेज है। बस उसमें सा का काम और थोड़ा इंडिनेट हुआ है, और नी से नी पा गमा, उसमें वो जैसा नी दसा नी बच के बचता है ऐसा बजाए। किसी को डाउट है इस पे? नमस्ते सर प्रणाम सर, नमस्ते सर। जी, परिमला जी। बड़े गुरु जी ने प्ले कर दिया है ना सर ये गाना, अभी ये राग हाँ हाँ अभी हाँ आप थोड़ा थोड़ा एनालाइज करके ये कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू आस्क यू लाइक दिस, जी बट जी यू आर जी एनालाइजिंग ईच मैं ये पार्ट विद करने की कोशिश पावर कर रहा हूँ ऑफ इंटेलिजेंस। कि जब आप कोई राग सुने उनका, तो हाँ उनको कैसे इजीली समझा जाए या क्या क्या बजाते हैं वो, सो दैट वंस यू गो थ्रू दिस रागा, इवन जस्ट वन रागा, देन यू मे एबल टू अंडरस्टैंड द अदर्स रागा, बिकॉज वी हैव द सेम काइंड ऑफ यू नो टेक्निकलिटीज दैट वी यूज फॉर अदर रागा एज वेल, जस्ट वो नोट्स थोड़े चेंज हो जाते हैं इधर उधर। हाँ सर, सो ओके मैं सर, इस चीज को एक तरीके से ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओपन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ समझने के लिए, और उनसे आप उस वो बजा भी सकेंगे जो उन्होंने बजाया है, और वही फ्रेजेस आपको बाकी रागों में भी काम आ जाएंगे जस्ट फॉर वन रिकॉर्डिंग। हाँ सर। ओके हाँ गुरु जी, हाँ आप तमे जे ध ध ने मत जोड़े वगाड्यू ने, ए थोड़ो फ्रेश फरी वगाड़ो ने, ध ने ध म। ध म वाला पद म प ये वाला, ये वाला गामा पा ध म पा, ओके म शुद्ध आएगा उसमें, गा मा पा द मा पा नी सा पनी। तो जो काम प के लिए हुआ प द मा प, वो काम नी के लिए हुआ नी सा पनी करके। फ्रेज है गमा पनी सा, उसमें गमा पा नी सा, इस तरीके से उसको बजाया। नी नी द प को धैवत से कर्ण लेके इस तरीके से सा नी प। नी सा नी नी द प, निसा निसा नी द प,
उसका तीसरा इम्प्रोवाइजेशन है वो ग तक जाता है। सा ये तीसरा, पहला क्या था नी द प, सेकंड नी सा नी द प, ओके यहां तक हमने सोल्व किया था। अभी तीसरा नी सा पनी 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 सा गरे ग सा नी द सा नी नी सा नी प, ये मुर्की लिख के रखिए काम आएगा। नी सा पनी पनी यहां तक का नहीं, इसके बाद वाला पनी सागर ग सा, पनी सागर ग सा निदसा निदसा, ये निदसा जो क्या है वो निदसा निरेसा ये है। नी दसा नी रे सा नी सा, सो फ्रेज इज नी सा पनी 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 सा गरे ग सा नी सा नी सा नी नी पा। वही वाला फ्रेस ध म म तीव्र प ग तीव्र मटु ग म प ग म ग। धैवत को थोड़ा नी से बजा के द म म, पनी साग सा सा, इसमें साग मध्यम है। पनी साग सा सा, ये फ्रेज हमने बहुत पहले बजाया था जब इसमें थे स्थाई में उस वक्त। पनी सा सा जी पिनाकी जी बताइए सर, पनी सगा रेसा होगा ना, रे में टच होके जाता पनी सगा, हाँ टच होके जाता है बट उसको रे कम है इसलिए हम उसको नाम नहीं ले रहे, लेकिन उसमें रे है जैसे सगा, इसमें म भी है बट हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत कम प्रमाण में है इसलिए। पनी साग सा सा, फिर उसके बाद
एकदम सिंपल फ्रेज है, बस फास्ट बजा है। एक नीचे उतरने का था उसमें, नीजा नीसा नी द प म प, ये पहले हम बजा चुके हैं। ओके बजा लीजिए, नीजा नीजा नी द प म प, सेम ग म ग म ग रे सा नी सा, ग से अभी वो सा नहीं बजाएंगे, नीचे वाला गरे सानी सा नहीं करेंगे, गरे सा नी पे रुकेंगे। तो सा नीजा नीसा नी द प म तीव्र ग म ग म ग रे सा नी, सिंपल नीजा नीजा नी द प म ग म ग म ग रे सा नी। या नीजा नीजा नी द प म प म ग म ग रे सा नी, ये भी हो सकता है। ओके नीजा नीजा नी द प म प म ग म ग रे सा नी, तो प म दो बार है वो तीव्र मध्यम के साथ, ग म ग रे सा नी शुद्ध मध्यम के साथ। अभी नी पे अटके है, सा ग म प, यहां से 1 2 3 4 जाना है थ्रू सा, सा ग म प, देन नेक्स्ट क्या होगा ग म प नी, देन नेक्स्ट म प नी सा, एंड प नी सा ग जो है उसमें थोड़ा इंटीग्रेटेड करके प नी सा ग रे ग सा, ये बजाना है। तो सा ग म प ग म प नी म प नी सा प नी सा ग रे ग सा, ट्राई करिए, सा ग म प ग म प नी म प नी सा प नी सा ग रे ग सा, उसको थोड़ा फास्ट बजाना। सा ग म प ग म प नी म प नी सा प नी सा ग रे ग सा, तो ये बातों जैसा फ्रेज है लेकिन बातें नहीं है। बातों की तरह जाता है लेकिन बातें नहीं है, स्वर की तरह हमको उसको लेके जाना है। सागा बाबा गमा पनी मपनी सा पनी सागर एक सा, सा ग सा लोअर में बजा सेम ग म ग म ग म ग रे सा नी, प म द प म प, फिर ग वाला फ्रेज वही है, ग म ग म ग रे सा नी सा म ग रे सा नी। ओके है टू स्प्लिट द नी, और प में धमा प है, फिर उसके बाद क्या है, ये तो हमने किया था जस्ट अभी, सामगरे नी, धप मपा, ये खटका है फॉर प, ये यमन में यूज होता है वो वाला खटका है जिसमें तीव्र मध्यम ही रहता है, प म ध प म प। ओके फिर से म तीव्र आवे गुरु तीव्र मध्यम, हाँ
यहां तक तो क्लियर है। नी नी पा दा मा पा पा, उसमें दो बार प को टच करके आना है, फिर वो खटका बजेगा पम ध पम प। ओके नी नी पा दा मा पा पा पा, मेड अप ऑफ पम द प म प ग म ग म प ग म ग रे सा नी। तो ये खटका अभी तक यूज नहीं हुआ था, यहां पर पहली बार पम द प म प यूज हुआ है, जो कि एक्चुअली यमन में यूज होता है, वहां पर तीव्र मध्यम होता है इस वजह से, लेकिन यहां पर भी हो सकता है, टेक्निकली सही है ये। निजा निजा गा, निजा निजा गा मा पा, वो पहले वाला खटका समझ में आया ना, पम ध प म प। क्लास खत्म होने से पहले बताइए, क्लास खत्म होने के बाद फिर सर ये क्या था वो, फिर मैं भी भूल जाऊंगा कि एक्चुअली क्या था। यो यमन वाला याद है थोड़ा सा, तो समझ में आ गया। तो जो भी करना है चालू क्लास में कर लीजिए, खत्म होने के बाद नहीं हो सर जी, लिखवा लो एक बार, पम ध प म प, पम ध प म प, पम तीव्र है, ध प म प दोनों मध्यम तीव्र ही है। पम ध प म प ग म प ग म, निजा गा, निजा निजा गा मा पा। सिंपल ना ना, उनके बाद थोड़ी मुरकी वाला काम है। वही सेम वाला मुरकी, ग म ग म प नि ध सा नि रे नि सा नि नि प। तो पूरा फ्रेज क्या हुआ, निजा निजा ग, निजा निजा ग म प, ग म ग म प ना ना ना, सेम मुर्की है। पनी सा पनी सा, वो जो मुर्की पे जाके प पर आए थे, तो नी से सात तक गए हैं थ्रू सम ऑर्नामेंटेशन, निजा निजा ग, निजा निजा ग म प, ग म प नी सा नी प प नी व नी सा। सा प नी नी सा सा ग सा, ये फ्रेज भी सब जगह पे सब रागों में यूज होता है। जब आप सा पे खड़े हैं, सा ना 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 ना, मतलब नीचे से शुरू करके मोस्टली पंचम से ही सा, और फिर उससे और ऊपर वाले एक दो स्वर लेके वापिस सा पर आते।
ओके क्या बजा है? बेक में पानी सागर सा सागा निसागा मापा निसागा निसागा मापा गा मापा नीपा तमा पागा सॉरी गा मापा नीपा दमा पागा तो धामा वुड बी तीव्र मध्यम नि सा ग नि सा ग म प ग म प नि प द म प ग म प ग म ग क्लियर। इसमें कुछ स्लाइड वगैरह नहीं है, बस वो नि प द म थोड़ा क्वीक है, अल्टरनेटिव नोट्स है। नी प द म प ग म प ग म दैट इज अ नॉर्मल खटका फॉर म ग। सेकंड नोट है उसका मुरकी है, उसका नेक्स्ट नोट लोअर नोट एंड देन मेन नोट। सो यहां पे प दम अप इस तरीके से प दम अप दम अप इज अगेन प। सो प वही चीज नी में होगा तो क्या होगा? नी तो नी सा पनी, ये नी के लिए होगा। और वही चीज सा में होगा तो सारे नी सा, तो प नी सा प प नी नी सा सा बजाया, जिसमें पहला स्वर डायरेक्ट है, सेकंड के लिए उसका जो मुरकी या खटका जो भी कह लीजिए, दैट इज मेड अप ऑफ इट्स हायर नोट्स लोअर नोट एंड देन मेन नोट। सो प के केस में इट्स ध म प, नी के लिए सा प नी, सा के लिए रे नी सा। प नी सा टेक्निकली प द म प नी सा प नी सा रे नी सा, और हमको रीड कैसे करना प नी सा। वापिस जाता है मिडिल ऑक्टेव पॉप पे, प नी सा प नी सा ग सा पे स्टे है। सा नि सा प नि सा म ग सा लोअर मिडल में,
सा ग ग अभी ग की मुर्की है, सागा रेगा रेगा, नी में भी सानी नी, सानी नी, इस तरीके से नी सा। बात क्या बजा था? ग सा नी ग, इट्स अ टच ऑफ म देन सा नी, सो नी सा ग ग ग सा नी नी। नी सा ग ग सा नी नी, इसमें रे का टच है। सा ग रे ग रे ग, एक्चुअली रे ग नहीं, वो ग ही है, मैं टेक्निकली बता रहा हूँ। रे ग म रे ग रे सा नी, नी। दो भागे इसके, एक नी से इनिशिएट होता है, एक प से इनिशिएट होता है। निगर ऐसा नी, जो प से होता है, पसा नी द प, आइडेंटिकल फ्रेजेस है, एक में नी रेफरेंस है, एक में प रेफरेंस है। निगर ऐसा नी पसा नी द प। देन उसके बाद म प ग ग, ये जो सब फ्रेजेस है ग्रामेटिकली, ये वाइंड अप वाले फ्रेज है, आपने ऊपर तक का काम कर दिया है, अभी आप ऐसे फ्रेजेस बजाइए जिसमें सभी नोट्स दिखे आपके राग के, जो आपने अभी तक जिसका यूज करके वहां तक ऊपर पहुंचे हैं, उन सभी को अभी एक साथ लाने की कोशिश कर रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होते हैं, इसमें पूरा राग का कंक्लूजन छुपा है, मतलब ये एक 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 फ्रेज ऐसे है जो पूरा राग डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे चार पांच फ्रेजेस मिले हैं हमको बजाने के लिए, तो इनको याद रख लीजिए, ये आपको कहाँ काम आ सकते हैं। अगर आपको बहुत शॉर्ट आलाप करना है, लेट से कि भाई टोटल 10 ही मिनट बजाना है हमको टोटल, तो उसमें आलाप होगा मे बी 2 मिनट, उनमें ये सब फ्रेजेस बहुत काम के हैं। निजा गा मा पा निजा गा, निजा गा सा नी पसा नी दप मा पा गा मा गा सा, खत्म, इतना ही आलाप करना। तो ये एक फ्रेज भी उसमें आ गया डिसेंडिंग के टाइम पे, तो पूरा राग उसमें दिख जाता है। मतलब ये सभी फ्रेजेस तभी याद आएंगे या तभी आप कंपोज कर पाएंगे जब आपने इतना लंबा और इतना अच्छा आलाप किया हो, तभी ये सब दिमाग में आएगा। मतलब ये क्रीम है आखिरी आखिरी जो अभी वो बजा रहे हैं। तो ये सब फ्रेजेस को पूरा याद करके रखना चाहिए, इनको आप जब भी बजाने जाएंगे राग, इनको बजा लिया तो आपका पूरा मूड क्लियर हो जाएगा उस राग को लेके। कंक्लूडिंग फ्रेजेस है ये।
हम इसके पहले बजा रहे थे ना ग, जैसे कोई भी स्वर बजाना उसका खटका होगा, उसके आगे वाला स्वर, नीचे वाला स्वर, वही स्वर, वो यहाँ पे म से अप्लाई हुआ। गमा पानी सा ऐसा, तो गमा म के लिए वो खटका होगा, प गमा, ग एक्स्ट्रा है उसको छोड़ देंगे, तो गमा पानी सा 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 में सागर है, गसा। गमा पानी, प में क्या, प दमा, प नी में नी सा पनी, सा में सागर है सा, वो अलग मुर्की ही है पूरा। गमा पदम प नी सा पनी सागर गी पी ओके, मक्खन की तरह जाना चाहिए पूरा। गमा पगम पदम प नी सा पनी सा नी प। पपनी सा ये आखिरी सा है अंतरा का, अभी यहां से चीजें एकदम नीचे आना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स मिडल ऑक्टेव सा। पनी नी सा ग सा, तो लास्ट में ग सा। अभी और थोड़ा काम ऊपर का चल रहा है। इसमें नी का जो कण है या खटका है, रेसा नी, रेसा नी नी, इस तरीके से नी सा ग ग। कैसे बजाएंगे, धम प, ओके, सा प सा नी प ग मा प ग मा ग, पहले सा प है, दूसरे में सा नी प है, प दोनों टाइम धम प है। और बाकी जो ग म प ग म पे जो काम होते आया है वही है सेम। एक में नी नहीं है, एक में नी है, सा प सा नी प ग म प ग म ग, एक्चुअली ये ऑक्टेव दिखाया, पूरा फ्रेज देखिए ऐसा है। जो स्वर ऊपर है उसी स्वर को नीचे दिखाया थ्रू कनेक्टिंग नोट्स। सा ग नि सा ग म सा ग म सा ग म प ग म प ग म प नि सा ग,
वो पानी जैसा नीरे सा वाला मुर्की है इसमें। पनी सागर सानी वही है बस विथ मुर्की। पहला स्ट्रेट था पनी सागर सानी पनी सागर ना। सा नी पा थ्रू धमा पा धामा पा फिर अलग से उसको स्लो में बजाए सानी पा धामा पा गामा आगे हम धेवत का उपयोग करते हैं सा के लिए, वो वाला अभी यहां पर मिडल ऑक्टेव में हुआ है। पहले एक मुर्की है सा धीरे सा नीजा नी या खटका भी कह सकते हैं। दा 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 सा नी पा पंचम का काम देखते हैं। दप मा मा पा दम पा दप मा मा पद म प ग सुदमा प ग म ग ग बिफोर द फाइनल ग वो नी से एक बार और नीचे आना है। गामनी दप गम ग गम गम पनी नी पनी पनी सा सा निजा निजा ग ग सा सा नी प ग म प प नी नी सा
ये 28 मिनट्स हुआ है, ओके okay? उसके बाद कितना है ये, इतना ही है, ओके okay, उसको खत्म ही कर देते 28। गामा गारे सा तार सप्तक में, नी सा गामा सागसा, पनी नी सा सा ग ग म नि ज नि ज ग म म ग सा। पनी सा नी नी चलिए पनी दसा उसको टेक्निकली बजाना है, रीड करेंगे पनी सा नी नी। नी पा ग म प ग म ग सा नी, नी पा ग म प ग म ग सा नी। पनी सा पा मिडिल ऑक्टेव प, नी सा हायर ऑक्टेव प, ग म प नी सा प, पनी सा प ग म प नी सा प, नी सा ग म प नी सा प, ऐसा हो सकता है बाद में। हो सकता है देखिए, ओके वहां से अलंकार हो गया, पनी सा प ग म पनी सा प, नि सा ग नि सा ग म सा ग म प ग म प नि म प नि सा ग प, वन टू थ्री होके वहां तक गए हैं। नि सा ग सा ग म प ग म प नि म प नि सा प, ग म ग र नी नी। ध ध नि सा नि प सा नि प नि,
नी द प म म प प प ग म प ग म ग ग सा सा नी प द म प ग म ग ग यहां पे वो मुर्की है जो हमने वो हमारे ड्यूरिंग क्लास में सीखा था सा म ग प म द प म प ग म ग सा ग सा ग म ग म प नी सा ग सा ग म प ग म ग सा अभी जाके वो सा पे रुके ये सभी जो लास्ट में जो बजे है फ्रेजिस वो ऑलमोस्ट वही है जो पहले बजा चुके हैं हम तो उसको आप कोशिश करिएगा लास्ट जो अभी हमने 28 ऑनवर्ड्स जो बजाया 28 मिनट्स से 30 मिनट्स की जहाँ पे मैंने ज़्यादातर गा के बताया उसको एक बार और ट्राई करिएगा देखिएगा उसमें कहाँ समझ में नहीं आता है मोस्टली वो सब वही फ्रेजिस है जो पहले बजा चुके हैं बस उसको थोड़ा अलग अलग एंगल से वहाँ पर रखा है एंड देन दिस ऑल आर वाइंडिंग अप फ्रेज नीचे आने की सभी फ्रेजिस है लास्ट में 30 मिनट पर वो सा मिडिल ऑक्टेव का बजा है दैट शोज कि यहाँ अंतरा खत्म हुआ एंड देन ऑल्सो द सेगमेंट खत्म हुआ अंतरा जहाँ पे एंड होता है सेगमेंट वहीं एंड हो जाता है उसके बाद तो वापस स्थाई तो काम जाना नहीं स्थाई तो हो ही गया था पहले तो दिस इज द परफेक्ट रिकॉर्डिंग क्योंकि इसमें हर वो ग्रामर जो कि हमको समझना है राग के लिए वो फॉलो हो रहा है कि स्वर को इंट्रोड्यूस कैसे करना है विद इन दैट लिमिट काम कैसे करना है कैसे उतने ही लिमिट में रहते हुए और आप कर सकते हैं इंटीग्रेटेड फ्रेजेस बजा सकते हैं अंतरा कैसे जाना है अंतरा में क्या काम होना है अंतरा वक्त क्या क्या ध्यान रखना है ऑक्टेव दिखाना मिडिल ऑक्टेव के साथ पे नहीं रुकना है एंड देन वाइंडिंग अप फ्रेजेस किस कैसे कैसे हो सकते हैं एंड फाइनली साथ पे कैसे आके रुकना है ओके तो इसी रिकॉर्डिंग को आप जब भी समय मिलता है उसको टोटल 30 मिनट का आलाप है इसमें जब भी मिलता है 10-10 मिनट का काम करने की कोशिश करिए 3 दिन में आलाप हो जाएगा वापस नेक्स्ट 3 दिन फिर से वही 10-10 मिनट का काम करिए तो एक हफ्ते में आपका ये 6 दिन का काम तो हो गया इस तरीके से तो एक दिन आप अपने से जो भी फ्रेजेस याद आते हैं बस वो लिमिट टू लिमिट बढ़ना है उसको बढ़ाते जाइए बजाते जाइए बस हो गया काम जी अजय जी आप कुछ पूछना चाहते हैं नहीं नहीं चाहता है एक हफ्ते में नहीं एक साल में अगर हो जाएगा तो ठीक है मुझे तो 10 साल लग गए आपका एक हफ्ते में हो जाना चाहिए हर सुंदर चीज कंफ्यूजिंग होती है तो अच्छा है आप सब लोग इतनी देर तक रहे 20 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया उसकी फीस मैं अलग से लूंगा बाद में देखते तो पर इसमें लेकिन मूर्खी खटका आप एक बार बोले थे कि क्लासिकल म्यूजिक में उतना ज्यादा यूज होता नहीं लेकिन यहाँ गुरु बड़े गुरु जी ने तो एकदम जबरदस्त यूज किया है ये राग थोड़ा सा लाइटर है ये जो बिहाग है वो इसी तरीके से बजता है ना थोड़ा रोमांटिक प्रकृति का राग है और इसमें इस तरीके से काम होता है हम जब सीखते हैं तब मतलब एडवाइस करते हैं कि मत करो इन सब चीजों को क्योंकि उसकी एक बार आदत पड़ जाती है तो इंसान सीधा स्वर लगाता ही नहीं कभी तो वो समझ लीजिए कि वो सिख विद्यार्थी लेवल में है वंस यू आर ऑन द स्टेज तब आपका काम होता है कि कैसे आप लोगों को इंटरटेन करेंगे है ना तो लेकिन तब ऐसा है कि भाई वो चीज को पार करके आप फिर मुर्की घटका बजा रहे हो वो एबिलिटी के साथ बजा रहे हो चीजों को तो शुरुआत में अगर वो छूट दे दी जाए ना तो एक तो फ्लूट इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है कि जो थोड़ा फोक इंस्ट्रूमेंट है ना तो हर बार वो उंगलियां एक्स्ट्रा ही काम करती रहती है स्वरों के ऊपर
तो वो उसकी थोड़ी क्लासिकनेस को कम कर देता है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं शुरुआत में। ओके चलिए रविंद्र जी, आपका जो कार्य था वो सिद्ध हो गया आलाप का, है ना। अभी नेक्स्ट क्लास का हम फिर विधिवत जोर शुरू करेंगे एंड देन फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। तो हम जैसा सीखे उसके बाद ये रिकॉर्डिंग का आगे कंटिन्यू करके एक बार सीखे कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई वो नहीं है, बट इसमें यही है कि टाइम इसमें जाता है। अगर आप लोग सब लोग इसको थोड़ा और घर से प्रैक्टिस करके आएंगे, सीधा क्वेरीज को पूछेंगे तो वो थोड़ा और जल्दी हो सकता है कि भाई एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें देखिए टोटल जितना हमने बजाया उसमें मैक्सिमम आपको 20% में डाउट हो सकता है। 80% फ्रेजिस तो ऐसे है जो आप समझ ही जाओगे कि क्या बजा है ना, वो मोरकी वाला खटका वाली चीज है वहां पे। तो अभी अभी से चलिए, ये पहला रिकॉर्डिंग था ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम जो भी कुछ करेंगे या इसके जोड़ जाला वाला रिकॉर्डिंग्स में खुद से पहले प्रिपेयर करके आइए जितना हो सकता है उतना, है ना, वो क्वेरी को सोल्व करने में जल्दी काम होगा हमारा। ठीक है चलिए, अभी मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, तब मैं केरला में होऊंगा, केरला का फिर वहां पर नींबू पानी पीते पीते बात करेंगे। वहां तो वेफर अच्छी मिलती है मैंने सुना है, क्या मिलता है? अच्छा रविंद्र जी को पता होगा ना, ये इसका केले का, हाँ केले का वेफर खाते खाते क्लास करेंगे। ओके चलिए, पराठा फेमस है, पराठा, पराठा साउथ में पराठा कब से बनने लगा? केरला पराठा। अच्छा चलिए, तो वही पराठे के साथ वेफर के साथ खाएंगे क्लास करेंगे, और मत ऐड करिए अभी। बहुत हेयर ऑयल यूज करते हैं सर, नॉर्मल कुकिंग ऑयल नहीं, कोकोनट, कोकोनट वाला। ओके सर, आप प्योर वेज है ना, आप क्या करे इस जन्म में तो यही है। आप केरला जा रहे हैं सर, और सारे तो यूरोप यूरोप जा रहे हैं, पूरे दर्जन पर दर्जन। बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, भारत में घूम ले उतनी बड़ी बात। केरला का जो उधर का जो टिपिकल डिशेस होते हैं, जैसे कि इडियपम बोलते हैं या वेज, बहुत अच्छा उनका तो बहुत अच्छा कीजिएगा। मैं तो आई विल अटेंड क्लास थ्रू दिस वन सैटरडे, ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, आप ऑनलाइन फिर सजेस्ट भी कर दीजिएगा, वहीं पे साजी जी को बोल देंगे बुलाएंगे। ठीक है, ओके चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार, नमस्कार।